यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और बच्चे पढ़ते भी है। पूरे बिहार में मेरा रैंक 420 रहा। मेरा फर्स्ट बार में ही रिजल्ट बन गया और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम पॉलिटेक्निक अच्छे रैंक से पास होंगे हम लोग। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सर पढ़ाए थे जिसके कारण मैं सफल हुआ और मेरा रैंक 1052 आया था। मैं यहाँ पैरामेडिकल की तैयारी करने आती हूँ। यहाँ विनय सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं। ट्रिक सर यहाँ पर मतलब देहाती इलाका वाला ट्रिक हमको बताते हैं। हाँ, ट्रिक में दिमाग में डायरेक्ट खोपड़ी में छेद करता है ट्रिक। सर स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और यहाँ पर एवरी संडे टेस्ट होता है। यहाँ के सर सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से देते हैं जो कि हर बच्चा समझ जाता है। इफ आई वर्क हार्ड देन आई होप दैट आई विल बेटर वन डे। और यहाँ से बहुत बच्चे हर साल सफल होते हैं और आशा है कि मैं भी बहुत अच्छा रैंक लेके अच्छा कॉलेज में सफल होऊंगा। अभी तक मैंने यहाँ पर 3 टेस्ट दिया है जिसमें मैंने दूसरे टेस्ट में सेकंड प्राइज लिया था, सेकंड टॉपर का प्राइज लिया था। मैं लखीसराय से पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कई लोग पटना और दिल्ली जाते हैं पर मैं कहना चाहूँगा कि बेगूसराय में ही आप सर को ढूंढिए, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के मीरगंज में हूँ और आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ आदर्श कोचिंग सेंटर मीरगंज ममता होटल के पीछे, यानी आदर्श कोचिंग सेंटर के बाहर हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस शिक्षण संस्थान में बच्चे अध्ययनरत हैं, शायद उनका टेस्ट एग्जाम चल रहा है। और मैं बता दूँ कि आदर्श कोचिंग सेंटर पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षण संस्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में और पैरामेडिकल में यहाँ से बच्चे तैयारी करके हर वर्ष बेहतर रिजल्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और आईटीआई कॉलेज में नामांकन गाकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इन तमाम बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। ये भी उसकी तैयारी में है, ये भी सफल होकर के अपने माता पिता के साथ साथ अपने क्षेत्र का, अपने समाज का और हम सब का नाम ऊंचा करे। और इस संस्थान के जो शिक्षक है विनय प्रभाकर सर, उनके निर्देशन में, उनके गाइडेंस में ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इन बच्चों से हम बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनको उनकी तैयारी कैसी है और कैसे यहाँ पर हर वर्ष बच्चे पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल अन्य क्षेत्रों में बच्चे सफल हो रहे हैं। आइए इस संस्था के बच्चे की सफलता का राज इन बच्चों से बात करके हम जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर एल्डर्स एंड एवरीवन, मैं सपना महाजन, मैं यहाँ 12 दिन से पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे पढ़ाई अच्छी लग रही है और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और सारे बच्चे प्रोग्रेस, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड माय ऑल फ्रेंड, मैं मनीषा कुमारी मेनिंगा से आती हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ हमें पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, सर भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं हम लोगों को और हम भी थोड़ा अच्छी से मेहनत करते हैं। यहाँ हर संडे को एग्ज़ाम होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की पढ़ाई पॉलिटेक्निक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अभी और यहाँ पैरामेडिकल होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम पॉलिटेक्निक अच्छे रैंक से पास होंगे हम लोग और हम भी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शिवानी शर्मा, मैं यहाँ फतेहपुर गांव से आती हूँ पढ़ने। मैं यहाँ पैरामेडिकल का तैयारी करने आती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ते भी है। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ। यहाँ पर हर साल अच्छे तैयारी करने के दौरान सारे बच्चे सक्सेस भी होते हैं और सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा नाम चमक कुमारी है, मैं विनोदपुर की रहने वाली हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ आए हुए सभी को मेरा नमस्कार। मैं तीसरा बार मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, दो बार पहले पढ़ी थी लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं बना था। और तीसरे बार जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई तो मेरा फर्स्ट बार में ही रिजल्ट बन गया। और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और सर का बहुत अच्छा मेहनत रहता, मेरा रिजल्ट बना। और अभी मैं NMCH में GNM से मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया है, मैं NMCH में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं यहाँ के छात्रों को आगे बढ़ने की जज्बा बता रही हूँ। और ये है मेरा कि जो जैसे सर यहाँ पढ़ाते हैं, सर के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और रिजल्ट 100% होगा। सर के तरफ से कोई मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, बट स्टूडेंट खुद मेहनत करे सर के साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा और रिजल्ट बनेगा 100%। मेरा नाम सुहानी कुमारी है, मेरा घर सीमा है, मैं यहाँ से कुछ दिन से पढ़ने आ रही हूँ। मुझे यहाँ सर का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, सर स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और यहाँ पर एवरी संडे टेस्ट होता है और टेस्ट में क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। मैं यहाँ पैरामेडिकल की तैयारी करने आई हूँ। मैं यहाँ पर ये अपने बड़े दीजे से क्षमा दी यहाँ से निकल के गई है, तो उन्हीं के द्वारा बताए गए तो मैं
हाँ यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि जवादी बोले हैं, स्टूडेंट को अगर सही मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, तो मैं अपना 100% ट्राई करूँगी और मुझे बिलीव है कि यह मुझसे ज़रूर होगा। मेरा नाम डॉली कुमारी है, मैं यहाँ बेगूसराय मटियाही से पढ़ने आती हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और हर एक वीक टेस्ट भी लिया जाता है और क्वेश्चन लेवल भी बहुत ही अच्छा रहता है और टेस्ट का रिजल्ट भी दिया जाता है। और हमें विश्वास है कि मैं यहाँ पारा मेडिकल की तैयारी करने आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ ज़रूर सफल होंगी। मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं चेरिया बैरपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पारा मेडिकल की तैयारी करने आई हूँ। यहाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, सर अच्छे से समझाते हैं। मेरा नाम सिम्पी कुमारी है, मैं अमरोह कीरतपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं आप लोगों को अपने कोचिंग के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। हमारे कोचिंग का नाम आदर्श कोचिंग सेंटर है, जिसके संस्थापक विनय प्रभाकर सर हैं। इस कोचिंग में मैं करीब 3 मंथ से पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगा। पहले मुझे दूसरे जगह जहाँ मैं जाती थी पढ़ने के लिए, वहाँ पे मुझे ऑप्टिक्स में कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन जब से मैं इस कोचिंग में आई हूँ तब से मैं ऑप्टिक्स बहुत ही अच्छे तरह से समझ गई हूँ। यहाँ के सर सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से देते हैं, जो कि हर बच्चा समझ जाता है। मुझे आशा है कि इस कोचिंग से मैं भी अच्छे रैंक के साथ अच्छे कॉलेज को प्राप्त करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 90+ से एवं बच्चे हर बार अच्छे रैंक के साथ अच्छे कॉलेज को प्राप्त करते हैं। मुझे भी आशा है मैं भी अच्छे कॉलेज अच्छे रैंक के साथ प्राप्त करूंगी। धन्यवाद। माई सेल्फ ज्योति कुमारी एंड आई एम फ्रॉम कमरुद्दीनपुर एंड I want to do paramedical, so I come here to achieve my aim. And if I work hard, then I hope that I will better one day. मैं यहाँ paramedical की तैयारी करने आती हूँ। यहाँ विनय सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं। मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं कमरुद्दीनपुर से प्राप्त करती हूँ। मैं paramedical की तैयारी करने के लिए 3 मार्च से यहाँ आ रही हूँ। विनय सर के यहाँ हमको पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। मेरा नाम पांडव कुमार हुआ, मेरा घर में यहाँ हुआ। मैं यहाँ लगभग 1 मास आ रहा हूँ पढ़ने के लिए। और मेरा मैं मतलब मेरे भैया यहाँ पर पढ़ते थे, वो गाइडेंस दिए, वो अभी सिविल ब्रांच लेकर पढ़ रहे हैं और वो बताएं कि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर मेरे को मतलब कि केमिस्ट्री मेरा समझ में नहीं आ रहा था, एक भी अच्छा मतलब कोई मतलब हमें कुछ समझ में नहीं। अभी हम आ रहे हैं अच्छा केमिस्ट्री, इस बार भी हम मतलब कि 30 में 23 सही मारे हैं। और यहाँ का मेरे को अच्छा लगा कि ट्रिक सर यहाँ पर मतलब देहाती इलाका वाला ट्रिक हमको बताते हैं। हाँ ट्रिक में दिमाग में डायरेक्ट खोपड़ी में छेद करता है ट्रिक। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं रामदरी गाँव का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ करीब 2 महीने से पढ़ने आ रहा हूँ और यहाँ का पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हर रविवार को टेस्ट लिया जाता है और यहाँ पर टेस्ट के साथ बहुत मेहनत कराया जाता है और यहाँ से बहुत बच्चे हर साल सफल होते हैं। और आशा है कि मैं भी बहुत अच्छा रैंक लेकर अच्छा कॉलेज में सफल होऊंगा। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, हम रिफाइनरी माना गेट सबौरा से आते हैं, जो कि हम मेरा यहाँ पैरामेडिकल का तैयारी करते हैं और साइड से हम मेडिकल विभाग का भी काम करते हैं, जैसे किडनी केयर हॉस्पिटल डॉक्टर रूपक सर के यहाँ काम करते हैं ICU में। और हम इस हमको 1 मंथ आने हुआ जो कि हमको यहाँ कॉन्फ्रेंस से दूसरे यहाँ तैयारी करते, वहाँ हमको कोई नहीं हुआ, जिसके कारण हम क्रैक नहीं कर पाए। इस बार यहाँ पार कर क्रैक करें PMCH पटना लेंगे OT सिस्टम। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोन कुमार है, मैं पिछले कुछ दिनों से आदर्श कोचिंग सेंटर में जुड़ा हूँ। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत सारे कंपटीटर होते हैं जो एक दूसरे को टैलेंट मतलब क्या कहते हैं उसको टक्कर देते हैं। तो यहाँ पर हर संडे टेस्ट भी होती है, जो टेस्ट का पैटर्न होता है बहुत अच्छा होता है, मतलब ना तो आसान होता है और ना ही हार्ड होता है, मीडियम में रहता है। अभी तक मैंने यहाँ पर 3 टेस्ट दिया है, जिसमें मैंने
दूसरे टेस्ट में सेकंड प्राइज़ लिया था, सेकंड टॉपर का प्राइज़ लिया था। और सर का पढ़ाई का तरीका जो होता है ना वो बहुत आसान होता है। सर एक बार एक बच्चे जो नहीं समझते उसको भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, कई बार समझाते हैं जब तक कि वो समझ ना जाए। एक महीने से आदर्श कोचिंग सेंटर से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ हर संडे मतलब टेस्ट होती है और क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। यहाँ बच्चे कम्पिटेटिव होते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं। गुड मॉर्निंग, जितने भी व्यूअर्स के भी स्टूडियो के द्वारा हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं गोपाल कुमार आदर्श कोचिंग सेंटर से मैं बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पे 20 दिन एडमिशन लेना हुआ है और मैं पूरी तरह मैं विनय प्रभाकर सर के पढ़ाई से संतुष्ट हूँ। मैं जब आया था तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, पर 20 दिन के बाद मैंने बहुत अच्छे से और सर के गाइडेंस में रह के मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 2022 के पैरामेडिकल एग्ज़ाम में मेरी रैंकिंग अच्छी आएगी। मैं लखीसराय से पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कई लोग पटना और दिल्ली जाते हैं, पर मैं कहना चाहूँगा कि बेगूसराय में ही आप सर को ढूँढिए, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और मैं उस पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, जिस पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसे कम हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इस कोचिंग में बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आदर्श कोचिंग सेंटर चुने, जिससे आपकी भविष्य उज्जवल होगी। मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं यहाँ लगभग 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात जो यहाँ लगी है, सर थोड़ा मतलब स्माइली फेस है, उनके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, डर हेजिटेशन वाला बात यहाँ नहीं रहता, जो मन होता है हम पूछ सकते हैं, सर बताते भी हैं और सर काफ़ी अच्छे हैं और हमेशा उनके फेस पर स्माइल रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे सर काफ़ी फ्रेंडली हैं, उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके कारण हम कोई भी सवाल बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं और वो बताते भी हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम पिंकी कुमारी, मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ, फिलहाल बेगूसराय में रहती हूँ। मैं पैरामेडिकल की तैयारी करने आई हूँ। मेरे कोचिंग का नाम आदर्श कोचिंग सेंटर है और यहाँ के संस्थापक विनय सर प्रभाकर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आता है और पूछने की भी आज़ादी देते हैं। हर संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट में अच्छे तरह से गाइडलाइन होती है, हर टेस्ट में टॉपर को प्राइज़ देते हैं, सर हौसला बढ़ाते हैं मेहनत करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मुझे भी आशा है मैं भी पढ़कर अच्छे रैंक से लाकर मैं भी अच्छे कॉलेज में क्वालिफाई करना चाहती हूँ। थैंक यू सर मुझे मौका दिए 2 शब्द बोलने का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबसे पहले डॉक्टर रोशन सर को, केबी स्टूडियो के प्रोप्राइटर डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत बधाई एवं गौरव सर को जो हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया। अभी तक बेगूसराय में एक नौ मात्र का कोचिंग सिर्फ पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और ITI का तैयारी करवाने वाला आदर्श कोचिंग सेंटर है, जो जिनके डायरेक्टर विनय कुमार प्रभाकर जी हैं। इन्होंने एक स्कूल सिंघोल में भी खोले हुए हैं, आदर्श बालिका उच्च विद्यालय, जहां पर भी लड़की की मात्र पढ़ाई होती है, वहां पर गर्ल्स सिर्फ जाते हैं। और सर बार बार मेहनत बहुत करते हैं, अगर सर के पीछे स्टूडेंट मेहनत करेगा तो ज़रूर से ज़रूर एक अच्छे कॉलेज प्राप्त करेगा और अच्छा रैंक, ताकि जिनके माँ बाप भी गरीब रहेंगे उनके बच्चा यहाँ पर आकर पढ़े और अपने एक अच्छे लक्ष्य हासिल करे और अपने माँ बाप का हर हमेशा उच्चतम शिक्षा, उच्चतम बल और हर हमेशा एक कदम पर बढ़ाते रहे। हम चाहते हैं कि अभी जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट करके बैठे हुए हैं या 10th करके, वो आदर्श कोचिंग सेंटर आएँ और विनय सर के यहाँ से पढ़कर अपना लक्ष्य हासिल करके पॉलिटेक्निक करें, जो कि पॉलिटेक्निक एकमात्र जूनियर इंजीनियर जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है तो वो तो अपना सरकारी से कर जूनियर इंजीनियरिंग अपना पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। और सर यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे मेहनत करते हैं, 2 घंटे पढ़ाते हैं सप्ताह में, 7 दिन में 2-2 दिन फिजिक्स और 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ का पढ़ाई होता है और 6 दिन के बाद 1 दिन टेस्ट होता है, जो टेस्ट में बच्चा 1st, 2nd, 3rd स्थान पर लाता है, उन तीनों को प्राइज़ मिलता है और उन तीनों को समझाते हैं कि आगे और बढ़े और हमारा नाम रोशन करें, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं काजल कुमारी, यहाँ के प्रधान अध्यापक विनय सर हैं और यहाँ की अच्छी पढ़ाई चल रही है, हम यहाँ पॉलिटेक्निक का पढ़ाई करने के लिए आए हैं और यहाँ हर सप्ताह टेस्ट होता है, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है और
यहाँ के लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे रैंक और अच्छे नंबर से अच्छे कॉलेज लिए हैं और उम्मीद है कि हम भी इस बार अच्छे नंबर और अच्छे रैंक से कुछ अच्छे कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। नाम अंकुश कुमार है, मैं मैदाबहन गामा से आता हूँ और सर के बारे में काफ़ी कुछ सुना है और यहाँ पारामेडिकल पॉलिटेक्निक और ITI का तैयारी होता है जहाँ 500 से अधिक लगभग बच्चे प्रयास करके सफल होते हैं और मेरा ड्रीम भी है कि मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का ठीक से एग्ज़ाम देकर और अच्छे रैंक से एग्ज़ाम पास करूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम से दैट सर्वप्रथम मैं KBS स्थिति एकदम दत्त रोशन सर को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को मौका देते कि वो अपने दो शब्द आके रखे एवं अपनी कला को जाहिर करे। एंड मैं आदर्श कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हूँ। जब मैं यहाँ पर पढ़ाई करता तो सर की गाइडलाइंस मुझे सबसे अच्छी लगी। सर हमेशा ध्यान रखते थे सभी स्टूडेंट पर, जिसको समझ में नहीं आता तो उसको सर फिर से पूछते थे किनको समझ में आया बताइए और उन्हें पुनः बताया जाता और हर रविवार को यहाँ पर टेस्ट होता था। टेस्ट में लाने वाले को प्रथम सेकेंड और तृतीय स्थान वाले को प्राइज दिया जाता और उन्हें बताते थे कि और मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। यहाँ पर हर रविवार को टेस्ट होती है। मैं यहाँ पर पढ़ाई किया, मेरे सफलता का पूरा श्रेय बिना सर को जाता है। उन्हीं के गाइडलाइंस के वजह से मैं आज सफल हुआ और मैं GP बरौनी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी तत्काल पढ़ाई कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 255 मार्क लाया जिसमें मेरा UR रैंक 420 एंड BC रैंक 206 रहा। पूरे बिहार में मेरा रैंक 420 रहा। अभी मैं सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बरौनी में पढ़ रहा हूँ। मेरा ब्रांच केमिकल है। सर ही ने हमको बोले थे कि केमिकल ब्रांच लेने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सर पढ़ाए थे जिसके कारण मैं सफल हुआ और मेरा रैंक 1052 आया था। तो बच्चों से बात करने के बाद हम बात करेंगे विनय सर से। आदर्श कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं और मैं बता दूं ये मूल निवासी जमुई के हैं और गंगा पार से इस पार आकर के ये बच्चों को लगातार शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले विनय सर बधाई आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद भी कि दूसरे जिले के होके भी आप लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और आपकी सही गाइडलाइन पे ये बच्चे हर वर्ष सफल हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कैसे आप वहाँ से यहाँ आए, कैसे आपने यहाँ पर संघर्ष किया, किन चुनौतियों का सामना किया, अब तक की क्या उपलब्धि रही आपके संस्थान की, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या खास है, किस वजह से बच्चे हर वर्ष यहाँ सफल होते हैं, पूरी कहानी आदर्श कोचिंग सेंटर की जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने संघर्ष से लेकर के इन बच्चों की सफलता तक की कहानी जो है उनसे साझा करें। मैं सर्वप्रथम KVS स्टूडियो के गौरव सर और इसके संचालक मुख्यकर्तागण डॉक्टर रोशन कुमार को बधाई देना चाहता हूं और मेरे ओर से पूरे बेगूसराय वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपने बच्चे को, लड़का चाहे लड़कियों को मेरे विद्यालय में भेजते हैं और एक मेरे विश्वास के बदौलत वे अपने बच्चे को दो घंटा नहीं तीन तीन घंटा चार चार घंटा छोड़ते हैं ताकि उनके बच्चे पूरे बिहार में अच्छा रैंक ला सके। मैं जम्मू जिला सिकंदरा का स्थायी निवासी हूं और बेगूसराय 2010 में आने के बाद कुछ दिनों तक सिंघोल और रतौली विनोदपुर जैसे गांव में कोचिंग का संचालन किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उधर बच्चे मैट्रिक तक तो ठीक रहते थे लेकिन इंटर और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ITI के लिए एक तरह से बच्चे नहीं जुट पाते थे, दिशा कम होने के कारण दिक्कत होती थी। लेकिन 2013 से जब मैं बेगूसराय मीरगंज ममता होटल के पीछे आदर्श सेंटर का संचालन किया तब से उस साल सर्वप्रथम पहला साल था जिस वर्ष मैंने मात्र 30 बच्चे का पढ़ाई चालू किया पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए और ITI के लिए, जिसमें 20 बच्चे सफल हुए और लोगों को लगा कि यहाँ सेटिंग गेटिंग होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बेगूसराय के बच्चे इस मिट्टी में बहुत दम है जिसके कारण एक ही प्रथम साल 20 बच्चे मात्र 25-30 बच्चे में 20 बच्चे सफल हुए, किसी को लग सकता है कि सेटिंग गेटिंग है, हमें भी लगा ऐसा कि क्यों ऐसे सोच रहे हैं सब, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रत्येक वर्ष
दुगुना चार गुना रिजल्ट होता रहा, बसरते बीच में थोड़ा कोरोना काल आ गया जिसके कारण थोड़ा सा महामारी जब ज़्यादा बढ़ गई तो बच्चे ही थोड़ा सा रुक गए। फिर भी हमने किसी वजह से नोट्स के माध्यम से और बच्चे को गाइडलाइन करके बच्चे की कम संख्या कर करके भी पढ़ाए। पूर्ण लॉकडाउन 2020 और 21 में भी मेरे बच्चे जहाँ तक थे लगभग 70-80% बच्चे सफल हुए। और पूरे बिहार में भले यह होता है कि जो ये इस बेगूसराय में जो नज़दीक पॉलिटेक्निक कॉलेज है और बेगूसराय वासी अच्छे रैंक वाले भी इस बेगूसराय के पॉलिटेक्निक में ले लेते एडमिशन, लेकिन मेरे बच्चे पटना 13 और पटना 14 में भी जाते हैं। यहाँ तक PMCH NMCH में अपना अच्छा स्थान लाते हैं रिजल्ट, क्योंकि अच्छे बच्चे रहते हैं। अब बेगूसराय मिट्टी में दम है वाकई में। हम भी जब जिस समय से आए हैं बेगूसराय, हम देख रहे हैं यहाँ के बच्चे भी शिष्टाचारिक हैं, मेरे कथनानुसार सभी बातों को मानते हैं और एक उस कथन पर साबित करते हैं कि वे बेगूसराय के लाल हैं। अब बेगूसराय एक मामूली धरती नहीं है, यह दिनकर की धरती है ना, और इसके बगल से गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। मैं पूरे बेगूसराय वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चे को कम उम्र में अगर नौकरी करवाना चाहते हैं और अगर वे आर्थिक से थोड़ा बहुत तंगी है तो वे ज़रूर आदर्श कोचिंग सेंटर पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और ITI के लिए ज़रूर भेजें। जहाँ तक हो सकेगा अगर बच्चे कर्णधार होंगे तो उन्हें नैया ज़रूर पार करवाया जाएगा। अगर बच्चे फाकीबाज होंगे तो मेरे पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। हम पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जहाँ तक होता है बच्चे को पनिशमेंट भी देते हैं। हम बच्चे को बोलते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आए एक बार में तो आप 1000 बार पूछें। अगर एक भी बार हम कुछ अगर उल्टा शब्द बोल दिए तो आप बोलें, आप 1000 बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का परिणाम है जो आपको मात्र 2-4-5-10 साल के अंदर दिखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 500 से प्लस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और ITI में सरकारी कॉलेज में जा चुके हैं। लेकिन मेरा सपना है 500 नहीं, कम से कम बेगूसराय वासियों में टोटल में ला कर के इंजीनियरिंग और मेडिकल में 1 लाख बच्चे कुछ दिनों में हमको करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ बच्चे सफल हों और मेरा भी आगे नाम चले। KBS स्टूडियो के गौरव सर को हम अपने तरफ से ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने, ऐसे तो मेरा कोचिंग बहुत ही गली में है, उन्होंने खोजते हुए हमको चले आए, ये बहुत गौरवान्वित की बात है। और चाहें कि अब अगला बार तो उनको तो आने भी दिक्कत हुई शुरू बार में, लेकिन अब आगे दिक्कत नहीं होगी और आगे भी आते रहें और बच्चे को प्रोत्साहित करें ताकि बेगूसराय के लाल पूरे बिहार नहीं भारत में नाम कर सके। क्योंकि जब जॉब में जाते हैं तो केवल बिहार के उनका पोस्टिंग बिहार में थोड़ी होती है, पूरे भारत में पोस्टिंग होती है। मेरे यहाँ के बच्चे मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, सेल गेल इत्यादि में बहुत अच्छे सफलता पाए। DRDO हाल फिलहाल समस्तीपुर में एक लड़की मेरी लदौरा की, उनका पोस्टिंग JEE के थी में हुआ है, किरण कुमारी। और इस वर्ष तो पैरामेडिकल में 4-5 बच्चे का तो NMCH में ही हो गया। और ऐसे बहुत बच्चे, मैं अपना खुद बड़ाई क्या करूं, अगर बच्चे अच्छे करेंगे तो ज़रूर मेरा भी नाम होगा। क्योंकि कहा जाता है कि टीचर की प्रधानता जो होती बच्चों से देखी जाती है। एक कहावत हम लोग सुने हैं कि बाप बड़ा कि बेटा, लेकिन कहा जाता है बेटा बड़ा है क्योंकि बाप कहलाने का अधिकार कौन देता है, बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ 3 छात्र हैं जो पिछले बार यहाँ सफल रहे और बहुत सारे छात्र अबसेंट हैं यहाँ पर, वो अपने कॉलेज में हैं या अपने घर में हैं या किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए हैं। तो इन 3 छात्रों को संस्था के द्वारा सम्मान किया जा रहा है और हम चाहेंगे ये तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं, ये बच्चे भी उसी कतार में हैं, ये बच्चे मेहनत करें सफल हो और ये भी सफलता प्राप्त करके इस सम्मान के हकदार बने। तो हमारी ओर से इन 3 बच्चों के साथ साथ सबको शुभकामनाएं और सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। यूं ही आप तैयारी करवाते रहें और इन बच्चों को हौसला बढ़ाते रहें और ये बच्चे आगे बढ़ते रहें। इधर ठीक है, मुझे अपने आप पे बड़ा क्या कहा जाए, उसे फीलिंग हो रहा है ये नहीं, गर्व नहीं। तो हम थे अभी आदर्श कोचिंग सेंटर में जहाँ पर पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल की तैयारी हो रही है और ये सफल छात्र हैं। इन्होंने आदर्श कोचिंग सेंटर में ही तैयारी की पॉलिटेक्निक की, अब ये सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र हैं।
अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने थैंक्स किया है विनय सर को और कहा यहाँ बेहतरीन तैयारी होती है और हमारी सफलता का राज जो है विनय सर और उनका सही गाइडलाइन है। हम चाहेंगे जो भी स्टूडेंट्स हमें यहाँ से देख रहे होंगे और जो पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे वो चाहते होंगे कि उनके बच्चे या खुद बच्चे चाहते होंगे कि उनका भी करियर पॉलिटेक्निक आईटीआई या पारामेडिकल में हो या वो पारामेडिकल सरकारी पारामेडिकल या पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हो, उनकी तैयारी के लिए वो इंस्टीट्यूट तलाश रहे हो तो आप संपर्क कर सकते हैं विनय सर से या आदर्श कोचिंग सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं। होली के जस्ट बाद 21 मार्च से यहाँ पर एक नए बैच का आरम्भ हो रहा है तो आप उस बैच से जुड़ सकते हैं और विनय सर से संपर्क करके आप उनके सही गाइडलाइन पर चल करके आप भी सफल हो सकते हैं और इन सफल बच्चों की कतार में आप भी खड़े हो सकते हैं। हमारी ओर से सबों को शुभकामनाएं रहेगी और इस तरह के प्रोग्राम को आप देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माय चैनल स्टार्स ऑफ बिहार और अगर आपने हमारे पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो पेज को ज्वाइन करें डॉक्टर रोशन कुमार। इस तरह के प्रोग्राम आप यूँ देखते रहेंगे और इससे आपको मोटिवेशन होगा। करण पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।